अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं सुबह सुबह सो के उठ गया हूँ, अब्दुल्ला स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब्दुल्ला अपनी शक्ल दिखा, देखो फुल टून हो गया बैठा हुआ भाई। सुबह स्कूल के लिए उठता ही नहीं है, पापा ज़बरदस्ती उठाते हैं और इसकी वजह से ना मेरी भी नींद ख़राब हो जाती है। इस वजह से भाई मैं भी जल्दी सो के उठ गया हूँ। जी आपको इधर आओ, आपको एक चीज़ दिखाऊं। क्या दिखा रहे हो? प्लेट में चाय रखी हुई है जी। चाय भी पीते हैं लोग जी, ये लोग आओ आओ आओ। अरे वाह, चाय पी रहे हैं यार ये नजर। ये चाय भी पीते हैं। मैं रोज सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ ना, तो मैं इनके लिए पराठा बचाता हूँ और ना चाय भी बचाता हूँ, और ये लोग रोज ऐसे ही नाश्ता करते हैं। वाह यार, देखो कितने शौक से चाय पी रहे हैं। पी रहे। और अमर भाई, कल मेरी साइकिल का टायर पंचर हुआ था, तो आज मेरी साइकिल का ना टायर पंचर लगवाने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। देखो कितने शौक से पी रहे हैं, खा रहे हैं। वाह यार, गाइस आज सुबह सुबह सो के उठ गया हूँ। इस व्लॉग को यहीं से करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। नाश्ता लग गया। नाश्ते में आज हमारे पास है रात वाली कढ़ाई। भाई कल रात को कढ़ाई मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, मैंने अभी मामा को सुबह बोला कि मुझे नाश्ते में कढ़ाई दो, साथ में पराठा है और प्लस चाय। तो भाई करते हैं फटाफट से सुबह का नाश्ता। पापा अभी न्यू फ्रिज लेके आए, और अली के काम चेक करो कहाँ चढ़ गया। पापा ये तो आप फ्रिज का बच्चा लेके आए हो, वो पुराने वाला जो फ्रिज था वो ठीक नहीं हुआ? नहीं, वो खराब है। माशाल्लाह से फ्रिज तो अच्छा है। भी उठा के लेके जाना पड़ेगा भाई। शाबाश शाबाश, मजदूरों जल्दी जल्दी काम करो, ₹5 कट जाएंगे। अरे ये तो फ्रिज भी बिल्कुल अली के साइज का है। हमारा जो ओल्ड वाला फ्रिज था ना वो खराब हो गया था, तो हम लोगों ने फ्रिज दिया था रिपेयरिंग के लिए, लेकिन फ्रिज हमारा हो गया एक्सपायर। तो आप लोगों को पता है अभी गर्मी आ गई है, फ्रिज की घर पे बहुत ज्यादा नीड थी, तो हम लोगों ने ना ये सेकेंड हैंड फ्रिज लिया है। ये भी बिल्कुल न्यू की तरह ही है, खोल के चेक करते हैं अंदर से। वाओ अनस भाई, ये तो बहुत प्यारा है। क्या हुआ? ये तो बहुत ठंडा है। अबे भाई मैं डर गया, मैंने बोला कहीं करंट शरंट लग गया इसको। अरे हाँ यार, ये तो ठंडा ठंडा हो रहा है। नीचे से देखते हैं, नीचे से बहुत प्यारा है। हाँ यार, नीचे से भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो हम लोगों ने बस ये एक दो महीने के लिए गुजारा करने के लिए लिया है। इंशाल्लाह हम लोग न्यू घर लेंगे, तो हम लोग सारा सामान न्यू लेंगे, फ्रिज भी न्यू लेंगे। अनस भाई जी, अब चले पंचर लगवाने। भूले नहीं हो आप? नहीं, मैं तो समझा भूल गए होगे भाई। अभी जा रहे हैं हम लोग अली की साइकिल का पंचर लगवाने के लिए। आराम से नहीं, पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप साइकिल बैठ के चलाओगे ना तो उसका टायर ब्लास्ट हो जाएगा। चलो पैदल पैदल। फाइनली हम लोग पंचर वाली दुकान पे आ गए। अंकल टायर खोल रहे हैं, अभी पंचर लगाएंगे। ओहो भाई साहब, चेक ये करो। ये रहा। पंचर मिल गया भाई, पंचर है ये तो। एक पंचर लग गया, ये देखो दूसरी जगह से भी पंचर है। ये बस दो ही पंचर है। हाँ, दो पंचर लग गया। अभी हम साइकिल के मड गार्ड्स के नट शट टाइट करवा रहे हैं। अली की साइकिल बिल्कुल ओके कर दी अंकल ने, और अंकल हमसे पैसे नहीं ले रहे थे भाई, अंकल को ना हमने ज़बरदस्ती पैसे दिए। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। चलो भाई अब चलते हैं फटाफट से घर। अभी हम लोग जा रहे हैं पापा के एक दोस्त के घर। पापा के दोस्त के घर न्याज है, तो पापा हम लोगों को भी साथ लेके जा रहे हैं। ये आ गई भाई हमारी न्याज, चने वाली पुलाव है और साथ में जर्दा है। तो खाते हैं भाई फटाफट से न्याज। न्याज खाली, और अली का काम चेक करो, छुप छुप के चीजें ली जा रही हैं भाई। वो अंकल बोल रहे हैं इसको कुछ नहीं कहना। न्याज खा के आ गए थे, उसके बाद मैं रेडी शेडी हूँ। अब्दुल्ला भी स्कूल से आ गया, असद भी आ गया। क्या हाल है असद? आज हम लोग जल्दी आ गए छत पे, आज गुड्डे शुड्डे उड़ाते हैं भाई। कल भी आप लोगों को पता है हवा चली नहीं थी, तो आज बड़ी जबरदस्त किस्म की हवा चल रही है और बहुत मजा आने वाला है। अभी चेक करो भाई साहब, हमारा गुड्डा वो आसमानों में घूम रहा है। और अली के काम चेक करो, ये कहाँ चढ़ के बैठा हुआ ऊपर। आ जाओ नीचे, ये कच्ची छत है, गिर जाओगे नीचे। अच्छा नीचे आओ, उड़ाने दूंगा फिर। आ जाओ जल्दी से नीचे। वो देखो मामा भी आवाजें लगा रही है वहां से। आराम आराम से आना, असद पकड़ ले, आराम आराम से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ पिड्डी पे बैठ गया, ये लो उड़ा लो।
हाँ आसमानों में भाई गुड्डा, ये लो उड़ाओ। तो कहाँ चला गया, फुल आसमानों में घूम रहा भाई, और उड़ा कौन रहा है? अली भाई मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वाह यार भाई आपने फुल प्रो पतंग उड़ाने में कहाँ पहुँचा दिया आपने। ओए 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 ओए, इतना सा हो गया भाई, इतना सा नजर आ रहा है हम लोगों को। वो गायब हो गया, इधर दिखाओ इधर दिखाओ भाई। ये देखो यार अली की फिंगर कट गई, आपने खींची क्यों मारी थी? अब्दुल्ला जा जल्दी सनी प्लास ले गया नीचे से, जल्दी जा भाग के जा, कुछ भी नहीं होगा, कटती रहती है इस तरह। ये देखो हम जब उड़ाते थे ना छोटे थे, हमें इतने कट लगते थे, कुछ भी नहीं हुआ, खून निकल रहा है यार। ओए जल्दी ले जा, ओए उसामा इधर आ, ये गुड्डा पकड़ यार, इसने अपना हाथ कटवा लिया खींची मार के। ये चेक करो भाई अंदर तक कट लगा है। अनस भाई जी, उस दिन जो पैरोट ने मुझे नहीं काटा था जी, उसी जगह पर कट लगा है। ओ भाई साहब, अब्दुल्ला सनी प्लास लगा दे, सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं इसका। भाई मैं बचपन में इतनी पतंगे उड़ाता था ना, क्या बताऊं, पूरा दिन मैं पतंगे उड़ाता था धूपों में। पापा मामा से मैंने मार भी बहुत खाई और मेरी तो भाई उंगलियां कटी रहती थी। सीन ऐसा भाई, आज भी हवा खत्म हो गई, शुक्र हम लोग जल्दी आ गए थे, थोड़ी देर हम लोगों ने पतंग छतंग उड़ा ली थी और अभी हम लोगों ने पतंग उतार दी है। देखो सारी डोर आज फिर गुंजल हो गई है। तो भाई आज हम लोग अपनी वीडियोस वगैरह शूट कर लेंगे, 3-4 दिन हो गए पतंगों के चक्रों में ना, हमने अपनी वीडियोस भी शूट नहीं की हैं। गुड्डे शुड्डे उड़ा के हम लोग नीचे आ गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे वीडियोस शूट। और भाई साहब 3-4 दिन हो गए, फाकू भी नहीं आ रहा। फाकू क्यों नहीं आ रहा इतने दिनों से यार, पता नहीं क्या मसला, उसके घर वाले नहीं आने देते फाकू को। फाकू का तो बड़ा दिल करता है, छत पे खड़ा होकर आवाजें लगा रहा होता है, हाय भी करता है छत पे। तो गाइज अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो शूट, वीडियोस वगैरह शूट करके फिर मिलते हैं। वीडियोस हमारी शूट हो गई और मगरिब की अजानें भी हो रही हैं, अभी मैं और अली जा रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के आ गए और भाई साहब अचानक से इतनी ठंडी ठंडी और तेज हवाएं चल गई हैं और हल्की फुल्की बारिश भी हुई और सीना साहब अब्दुल्ला चला गया ट्यूशन, मैंने करना अपना थोड़ा काम शाम और एडिटिंग। और एक और बात, फ्रिज की जो सेटिंग थी ना वो मामा ने हमारे रूम में कर दी है और यहाँ रखा हुआ बड़ा मस्त लग रहा है। हमारे मोबाइल वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग आराम से। अली ना इतनी ज़्यादा शरारतें कर रहा था तो मामा ने ना अली को स्टडी करने के लिए बिठा दिया और भाई साहब बैठे बैठे ही सो गए, और तो और खराटे भी ले रहा है। अली अली भाई फुल मस्त होके सोया हुआ ये तो। अली अबे मुन्ना अबे भाई ये तो सोया हुआ है भाई फुल टोन होके। ये देखो काम लिख रहा था, मुन्ने मुन्ना बैठो, खाना खाया आपने, ऐसे ही सो गए हो आप। बड़ी मुश्किलों से अली को उठाया, भाई साहब ने खाना भी नहीं खाया था, ऐसे ही सो गए थे। और खाना भी हमारा लग गया, खाने में आज बना है अंडे आलू मटर का शोरबे वाला सालन। तो भाई फटाफट से खाते हैं रात का खाना। खाना पीना हो गया, अब्दुल्ला भी ट्यूशन से आ गया, अब्दुल्ला पी रहा चाय और भाई साहब अली की मस्तियाँ फिर से स्टार्ट हो गई। अभी सॉरी चाय गिर जाती है अब्दुल्ला के ऊपर, क्या कर रहा है भाई अब्दुल्ला। एक बात बताऊं, मामा ने ना इसको पढ़ने के लिए बिठाया, भाई साहब बैठा बैठा सो गया और खराटे भी लेने लग गया। अब बताओ मामा को ये मस्तियाँ कर रहा है, मामा तो सो गई है। भाई साहब इसकी ना मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती, बस क्या बताएं, हमारा व्लॉग एंड हो जाता है लेकिन अली की मस्तियाँ एंड नहीं होती। देखो तो गाइस व्लॉग को मैं यहीं कर रहा हूँ एंड आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अली भाई आप भी बोल दो। तो गाइस यार आज बहुत मज़ा आया, मैं पतंग उड़ा था, मैंने खींची मारी, मुझे अचानक से करंट लगा, मैंने देखा क्या हुआ तो मेरी उंगली पे कट लग गया और यार मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो आज बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, तो इसी व्लॉग को मैं पर करने लगा हूँ एंड आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। तो इसके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ठोक दो और बेल आइकन भी दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय। काकू हाय, आ जा बोल रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। काकू कहाँ चढ़ा हुआ है यार?